बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की हुई है। और पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसको हमने ग्राफिकली भी देखा और साथ में उसको मैथमेटिकली भी सॉल्व किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 10.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, वो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या कहा हुआ है, मैयर, उसकी मेयरमेंट क्या होनी चाहिए, मैयर ऑफ लेस देन 45 डिग्रीज, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमें जो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही लिखना है। लेकिन कैसे कि एंगल जो हमें गिवन होगा उसमें, वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा उसकी मेजरमेंट जो है वो 45 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो एंगल 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो मैं पहला पार्ट इसका लिखता हूँ। पहला पार्ट क्या है, साइन ऑफ 196 डिग्रीज। देखें, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एंगल क्या है, 196 डिग्रीज। तो हमें क्या कहा है कि एक तो डिग्री पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। देखें, पॉजिटिव तो है, ठीक है, एक चीज़ तो हो चुकी। लेकिन दूसरी चीज़ उसने क्या कहा है कि उसकी मेजरमेंट 45 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेजरमेंट कितनी है, 196 डिग्रीज है। तो इसको 45 से कम हमने बनाना है। वो हम किस तरह से बना सकते हैं, देखें, अगर मैं इसको 196 डिग्रीज को 90 प्लस या 180 प्लस या 270 प्लस की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है। देखें, अगर एक तो हम 90 प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 एंगल स्टैंडर्ड होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, या फिर 270 हम लिख सकते हैं, या फिर 360 डिग्रीज प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 90 प्लस की फॉर्म में लिखूं, 90 प्लस या 90 माइनस, इस तरह से प्लस या माइनस हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, 90 प्लस कितना बनेगा, 106 डिग्रीज इज इक्वल टू बनते हैं 196 डिग्रीज, ठीक है। तो ये देखें, 90 प्लस की फॉर्म में लिखूं तो ये 106 डिग्रीज आके बनते हैं। लेकिन 106 जो है वो 45 से कम है क्या, नहीं, हमने तो 45 से कम बनाना है, तो इसलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये 45 से कम नहीं है, तो 90 प्लस वाला फॉर्म हम नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, 180 प्लस पे, 180 प्लस या माइनस पे, ठीक है। तो 180 प्लस अगर हम करते हैं तो 180 प्लस कितना बनेगा, 16 डिग्रीज इज इक्वल टू 196 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये जो एंगल है वो 16 डिग्रीज बन चुका है, जो कि 45 से कम है, ठीक है। यानी कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, 180 प्लस 16 डिग्रीज। तो हम इसको 196 को इसमें तोड़ लेते हैं। हम ये लिखेंगे साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 16 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमने तोड़ लिया। उसके बाद देखें, यहाँ पर क्या है, हमने सिर्फ इतना ही काम नहीं करना, बल्कि हमने, अब देखें यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ 180 प्लस 16 डिग्रीज है। हमने सिंपल साइन ऑफ 16 डिग्रीज या सिंपल कॉस में हो जाए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो जाए, लेकिन एंगल जो है वो 16 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पर अभी भी 180 प्लस 16 है, ठीक है, सिंगल 16 होना चाहिए, सिंगल 45 से कम होना चाहिए। तो हम इसको और मज़ीद किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखें, आपने इस चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह लें या फंडामेंटल लॉ कह लें, वो आपने पढ़ा था कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, और यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो इसको हम अल्फा कह देते हैं, इसको हम अल्फा कह देते हैं और इसको बीटा कह देते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, 180 डिग्री है। साइन ऑफ 180 इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या है 16 डिग्रीज, प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है 180, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 180 डिग्री इंटू साइन बीटा, साइन बीटा क्या है 16 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 16 डिग्रीज। तो ये यहाँ पर हमारे पास बन चुका है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर देखें इसको साइन 180 क्या होता है, साइन 180 इक्वल माइनस वन होता है, ठीक है। ये माइनस वन हो गया और साथ में कॉस 16 हम उसी तरह से लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू टेबल से पता नहीं होती, ठीक है। तो कॉस ऑफ 16 हो गया, बल्कि साइन 180 जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है। टेबल में हमारे पास साइन ज़ीरो होता है क्योंकि साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, 90 पे वन होता है, ठीक है, और 180 पे ज़ीरो हो जाता है। फिर से ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू कॉस ऑफ 16 प्लस कॉस 180 जो होता है वो माइनस वन होता है, और इंटू साइन ऑफ 16, हमें टेबल से इसकी वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे, हमने सिंपल इसको एक्सप्रेस करना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें साइन ऑफ 16 डिग्री हो गया, कॉस ऑफ 16 डिग्री हो गया, बाकी सब वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि हम जो है यहाँ पर इसका जवाब आता है कि ये 90 प्लस या 180 प्लस या 270 प्लस या 360 प्लस इस स्टैंडर्ड एंगल्स में हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये लिखा था ना साइन 196 को 180 प्लस की फॉर्म में, या हम 90 प्लस की फॉर्म में भी देख रहे थे, उस तरह से लिख सकते हैं लिखें, ठीक है, वैल्यू का उसमें कन्फर्म नहीं हो रहा था इसलिए। तो इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ पता होती हैं टेबल से, डायरेक्टली हम इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, ज़ीरो है, वन है, जो भी है, ठीक है। जिस तरह कॉस ऑफ 180 की भी हमने लिख दी, साइन ऑफ 180 की भी लिख दी, बाकी की हम टेबल से हमें नहीं पता होता इसलिए टेबल में नहीं वो वैल्यूज़ होती, ठीक है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली इस तरह लिख रहे होते हैं, ठीक है। इस ये वजह होती है कि हम ये यूज़ कर रहे होते हैं 90 प्लस की फॉर्म या 180 प्लस की फॉर्म या 270 प्लस की फॉर्म या 360 प्लस की फॉर्म, ताकि हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकें, ठीक है। जिस तरह से ये हमने यूज़ की, ये हमने यूज़ की। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 0 इंटू कॉस 16 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा साइन 16 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस साइन 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज़। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज़ के, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 16 है, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी मेजरमेंट जो है वो 45 डिग्री से कम है, 16 जो है 45 से कम होता है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था या कहा गया था लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, वो हम एक्सप्रेस कर चुके हैं माइनस साइन ऑफ 16 डिग्रीज़ की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट था। इसका एक और पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, एक और पार्ट हम लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट ऑफ 294 डिग्रीज, टेंजेंट ऑफ 294 डिग्रीज। अब यहां पर देखें हम इसको पहले तो तोड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, या 90 प्लस या 180 प्लस या 270 प्लस या 360 प्लस। तो यहाँ से हम पहले को चेक कर लेते हैं, पहले में 290 प्लस क्या बनता है जी, 204, 204, ठीक है। तो क्या ये 204 जो है ये तो ये आ चुका है ना 90 प्लस की फॉर्म, ये तो फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये 204 एंगल है वो 45 डिग्री से कम है,
नहीं है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 180 क्यों चेक कर लेते हैं, 180 प्लस कितना इसमें ऐड करें तो 294 बनेगा, 294 में से निकाल लेते हैं, 294 में से 180 माइनस करें तो हमारे पास 49, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 114 डिग्रीज। तो क्या ये भी एंगल जो है 114 डिग्रीज 45 से कम है? नहीं है, मतलब कि हम ये भी 180 प्लस भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम 270 के ऊपर आते हैं, 270 में कितने ऐड करें तो 294 बनते हैं, 24 ऐड करें तो, ठीक है, 24 ऐड करें तो हमारे पास 294 बनते हैं, ये भी 294 के इक्वली आता है, लेकिन ये भी 294 के इक्वली आता है। तो यहाँ पर आप देखें 270 प्लस क्या है, 24 डिग्रीज, तो ये एंगल जो है 24 डिग्रीज 45 से कम है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे 270 वाली, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, टेंजेंट ऑफ 270 प्लस 24 डिग्रीज, ठीक है, ये आ चुका हमारे पास। अब इसी तरह से हम इसको देखें, अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के, तो यहाँ से हम साइन और कॉस की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, अगर आपको डायरेक्टली टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नहीं पता तो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख लेते हैं, साइन ऑफ 270 प्लस 24 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 270 प्लस 24, ये डिग्रीज में है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया, अब देखें इसको हमने उस फॉर्म में लेकर आना है, या तो साइन हो या कॉस हो या कॉट हो, ठीक है। अब ये साइन में भी है, कॉस में भी है, और साथ में एंगल प्लस में भी हो रहे हैं, ठीक है। ये टोटल एंगल तो अभी तक 294 ही है, जबकि हमने 45 से कम बनाना है, ठीक है। ये तो हमने सेपरेट करके लिखा, लेकिन होना एग्जैक्टली 45 से कम ही होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस पर लगेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा लगेगा, ठीक है। तो दोनों पे हम फार्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इस केस में क्या है, 270 है, कॉस बीटा, बीटा इस केस में 24 डिग्रीज है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा भी इस केस में भी 270 है, ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा इस केस में 24 डिग्रीज है। मैं दरमियान में डॉट डाल देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं। अच्छा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। 270 की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, टेबल में मौजूद होती है, इसकी कॉस 270 की भी पता होती है, कॉस 270 ये भी हमें पता होगी, और साइन 270 ये भी हमें पता होगी, टेबल में हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। 270 क्या होता है, 3π/2, ठीक है। तो साइन ऑफ 3π/2 या साइन ऑफ 270 किसके इक्वल होता है, अगर आपको टेबल याद हो जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, वो इक्वल होता है -1 के, ठीक है। टाइम साइन 270 ये -1 हो गया, -1 इंटू कॉस 24 डिग्रीज, उसके बाद प्लस कॉस 270 किसके इक्वल होता है, 0 के, 0 इंटू अब साइन 24 डिग्रीज, उसी तरह से हम लिखेंगे क्योंकि ये टेबल में मौजूद नहीं होती इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर भी आ जाते हैं, कॉस 270 डिग्रीज अभी हमने बात की जो कि इक्वल 0 के इक्वल होता है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 24 डिग्रीज, कॉस 24 डिग्रीज माइनस
साइन 270 डिग्रीज, साइन 270 डिग्रीज जो हमने न्यूमरेटर में भी लिखी है उसकी वैल्यू माइनस वन होती है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है साइन 24 डिग्रीज, तो हम उसको उसी तरह से लिख देते हैं। ये हमने वैल्यूज़ हमने लिख दी 270 डिग्रीज़ की, ठीक है, साइन था या कॉस था जो भी था हमने लिख दी उसकी वैल्यूज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाता है माइनस कॉस 24 डिग्रीज़, ठीक है, माइनस कॉस 24 डिग्रीज़, क्योंकि इसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस ज़ीरो इंटू समथिंग है, ठीक है, तो ज़ीरो तो हर चीज़ को मल्टीप्लाई जिससे भी हो रहा है वो ज़ीरो बना देता है, तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखें ये भी ज़ीरो कॉस 24 डिग्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ये ज़ीरो बना देगा, तो ये ज़ीरो हो गया। उसके अलावा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और ये साइन 24 डिग्रीज़ बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें माइनस कॉस 24 डिग्रीज़ प्लस ज़ीरो, उसको हमने यही आ जाएगा, ठीक है, उसमें ज़ीरो ऐड हो रहा है तो यही रिजल्ट वापस आएगा। और ज़ीरो प्लस साइन 24 डिग्रीज़ क्या होता है, साइन 24 डिग्रीज़ ही होता है, तो मैं उसको इसी तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कॉस 24 डिग्रीज़ डिवाइडेड बाई साइन 24 डिग्रीज़, यानी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, कॉट थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एट्थ में भी आपने पढ़ी होगी। तो ये देखें यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करें, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये कॉस थीटा, थीटा इसके इसमें 24 डिग्रीज़ है, ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो दोनों सेम है, कॉस 24 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन 24 डिग्रीज़, तो ये बन जाएगा कॉट 24 डिग्रीज़, ठीक है, ये टी को मैं सही से करके लिख देता हूँ, cot 24 डिग्रीज, और साथ में बाहर माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन उसी तरह से हम लिख देते हैं, तो ये बन गया माइनस cot 24 डिग्रीज, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या है, एंगल क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, तो देखें 24 डिग्रीज पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव 24 डिग्रीज है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो 24 डिग्रीज जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तो क्या 24 डिग्रीज 45 से कम होता है, बिल्कुल कम होता है, तो ये यानी कि दोनों चीज़ें जो दोनों हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं टोटल 9 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम इस तरह से बहुत आसान है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो पे कि इस क्वेश्चन की हमें समझ नहीं आ रही, या इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, आप बिल्कुल आप नीचे लिख सकते हैं जो भी आपको क्यूरी है, ठीक है, तो उसको कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा भी लगता है ये लेक्चर तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको लेक्चर को थोड़ा रिव्यू करने जा रहे थे, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमें क्वेश्चन गिवन था कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है उसमें हमें जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और हमने उसको 45 डिग्री से कम लेके आना है, और दूसरी चीज़ उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, तो वो पहले पार्ट में एंगल जो 196 है जो कि 45 से बड़ा है उसको हमने कम करना था 45 से, ठीक है, तो उसको हमने देखा कि चार फॉर्म्स हैं, एक 90 प्लस है, 180 प्लस है, 270 प्लस है, या 360 प्लस है, ठीक है, इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 90 इंटू 2 या फिर 180 इंटू 2 या फिर 270 इंटू 2 360 इंटू 2 या 4532 जो भी है अब उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है इस रेंज में तो हमने इस फॉर्म में लिखा, और इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि ये 90 पाई बाय 2 होता है और 180 पाई होता है, 270 जो है 3 पाई बाय 2 होता है और 360 2 पाई होता है, इन सब की वैल्यूज़ जो हैं कॉस साइन और टेंजेंट की हमने टेबल पढ़ा था उसमें हमें गिवन होती हैं, ठीक है, उसमें हमें पता होती हैं कि इस टेबल में किसकी साइन 90 हो या कॉस 90 हो या टेंजेंट 90 हो या फिर कॉस 180 हो टेंजेंट 180 हो,
इन सब की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और बाकी हमारे पास जो बच जाता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा बचता है जिसमें एंगल जो है वो कम होता है 45 से, ठीक है, क्योंकि हमने वो ख़ुद बनाया होता है 45 से कम। तो ये चीज़ें इसमें समझने वाली थी। बाकी मेथड तो आसान है, वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कहीं पे यूज़ हो जाता है, कहीं पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यूज़ हो जाएगा, कहीं पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ हो जाएगा, जो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आपके क्वेश्चन जो है बाकी खुद से आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते तो आप बिल्कुल इस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में मसला आ रहा है, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।